भूत पिशाच विकट ग्रह पीड़ित नहीं जंपे, प्रभु पीड़ित नहीं जंपे, हनुमत हाक सुनी ने, हनुमत हाक सुनी ने, थर 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 कंपे, प्रभु थर 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 कंपे, जय कपि बलवंता, प्रभु जय कपि बलवंता। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी .com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज का अनुभव बिल्कुल अद्भुत है, इसे बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। आज कई लोगों के सवालों के जवाब इस अनुभव के माध्यम से मिलने वाले हैं और आपको भी पता चल जाएगा कि क्यों इस घोर कलयुग में हनुमान जी की भक्ति बहुत जरूरी है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुजरात के बड़ौदा की रहने वाली हूँ। बात नवम्बर 2016 की है, जब मेरी माँ का देहांत हुआ था। माँ के जाने के बाद मैं बहुत ही डिस्टर्ब रहने लगी थी। ससुराल में कोई मुझ पर ध्यान नहीं देता था। मेरा मायका महाराष्ट्र में है और मेरी शादी बड़ौदा में हुई है। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मेरे पति उनके ही काम में व्यस्त रहते थे। धीरे धीरे सब बदल रहा था। मेरे पति और मुझ में बहुत दूरियां आ गई थी और मेरे पति का झुकाव उनके चचेरे भाई और भाभी की तरफ ज्यादा रहने लगा था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मैं शिवजी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं हर सोमवार मंदिर जाती और गणेश जी और शिवजी से प्रार्थना करती थी कि आप मुझे बताइए कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, सब कुछ बिखरता जा रहा है। 2 साल बाद मुझे चीजें समझ में आने लगी। 2018 में तो ऐसा हुआ जिससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और तब लगा कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। मेरा मेरे पति और चचेरे भाई और भाभी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। मेरे पति उन दोनों की वजह से मुझे डाइवोर्स तक देने को तैयार हो गए थे। ना ही उन्होंने मेरे बारे में सोचा और ना ही हमारे 5 साल के बेटे के बारे में। मेरे पति उनके भाई भाभी जैसे बोलते वैसे ही करते थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे हमेशा सुसाइड करने के विचार आते थे। ससुराल में कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था। फिर अचानक एक दिन मेरी एक पुरानी दोस्त से बात हुई और उसने मुझे हनुमान जी के मंदिर जाने को कहा और हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा। उस वक्त मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं था। मुझे लगता था कि इतनी पूजा पाठ करने से भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियां आई हुई है तो हनुमान जी के मंदिर जाने से क्या होगा। पर मैं गलत थी। मेरे घर से हनुमान जी का मंदिर सिर्फ 2 मिनट के अंतर पर था, पर मैं कभी उनके दर्शन करने मंदिर नहीं गई क्योंकि मैंने सुना था कि लड़कियां हनुमान जी के मंदिर नहीं जाती और उसी बात को मैंने अपने दिमाग में बैठा लिया था, इसलिए हनुमान जी के मंदिर नहीं जाती थी। पर जब मैं मंदिर गई और हनुमान जी के सामने दिल से हनुमान चालीसा का पाठ किया तो मुझे ये महसूस हुआ कि दादा मुझे सुन रहे हैं। मेरी आत्मा अंदर से रो रही थी। मैंने दादा से प्रार्थना की कि प्रभु ये क्या हो रहा है मेरे साथ, जो गलत लोग हैं उनके साथ सब खड़े हैं और मैं सत्य के मार्ग पर अकेली खड़ी हूँ और सब मुझसे लड़ रहे हैं। मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे आप माफ कर दीजिए। और फिर मैं घर वापस आ गई और आश्चर्य की बात यह है कि मैं बहुत समय से टेंशन में होने के कारण सो नहीं पाई थी, पर उस दिन मेरी आंख लग गई और मैंने महसूस किया कि मेरे प्रभु हनुमान जी ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा और बोले कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। उस नींद को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मुझे इतना सुकून मिला कि मैं अपनी सारी परेशानी और टेंशन भूल गई थी। तब से मैंने सच्चे दिल से रोज हनुमान जी की पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र और सुंदरकांड रोज सुनती भी हूँ। पहले मैं बहुत डर डर कर रहती थी, पर प्रभु के शरण में जाने के बाद मेरा डर धीरे धीरे दूर होने लगा और मैं अंदर से मजबूत बनती गई। मेरे घर में रोज जो झगड़े होते थे वो प्रभु के आशीर्वाद से ठीक होने लगे। जो बुरे लोग हैं उनके असली चेहरे सामने आने लगे। सब ठीक होने लगा था, लेकिन बड़ा संकट तो अब आने वाला था। फिर मार्च 2019 में मुझे प्रेगनेंसी रह गई थी और जब मैंने अपने पति और ससुराल वालों को बताया तो वो लोग खुश नहीं हुए, लेकिन मैंने प्रभु के ऊपर सब छोड़ दिया। मैंने हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद लिया और वहाँ के पंडित जी से पूछा, जिन्हें वहाँ सब दादा बुलाते हैं। वे हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और वो जो बताते हैं वो सही होता है। कुछ लोग विश्वास करते हैं और कुछ नहीं, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है तब से मैं इन सब में विश्वास करती हूँ। ससुराल में सबको पता चलने के बाद 2 महीने सब ठीक रहा,
पर चौथे महीने से मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई और मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी। बच्चे का वजन बढ़ नहीं रहा था और मैं बहुत बीमार रहती थी। मुझे रात को आदत थी रोज सुंदरकांड का पाठ लगा के सोने की, और सुनते सुनते कब आंख लग जाती पता ही नहीं चलता था। मेरे बजरंग बली ने मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा हमेशा की है। प्रभु ने मुझे सपने में दर्शन भी दिए और कहा कि तू चिंता मत कर, तुझे और तेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। समय बीतता गया, सातवां महीना आ गया था। बच्चे का वजन ठीक था पर फिर से मेरी तबीयत बिगड़ी, और जब सोनोग्राफी की तो पता चला कि बच्चे का वजन 1.5 किलो कम हो गया है, जो सही नहीं है। मैं फिर से परेशान हो गई और प्रभु से प्रार्थना की कि अब आपको ही सब कुछ संभालना है प्रभु। मैं हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाती हूँ, तो जब मैं मंगलवार को दादा के मंदिर गई तब उनसे प्रार्थना की कि मुझे रास्ता दिखाओ। तब मेरी वहाँ के पंडित जी से मुलाकात हुई और उनको मैंने अपनी बात बताई, तो उन्होंने कहा कि तेरे ससुराल में से ही तुझ पे कोई विद्या कर रहा है ताकि तू इस बच्चे को जन्म ना दे सके। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं मंदिर में ही बजरंग बली के सामने बैठ के रोने लगी। तब उन्होंने मुझे कुछ उपाय बताए और बोला कि तू ये कर, तुझे या तेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, और तुझ पर जो कोई कर रहा है उसका चेहरा भी तुझे दिख जाएगा। उन्होंने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। जयेश भाई, वैसे तो सब ठीक हो रहा था लेकिन एक प्रॉब्लम तो आगे आई। दिवाली के पहले काली चौदस की रात को जब मैं सोई थी तो मुझे सपना आया कि मुझे कोई बुला रहा है। मैं सपने में ही उठी और पेट पे हाथ पकड़ कर चलने लगी। अभी मैं अपने घर के मंदिर के पास से गुजर रही थी तो उतने में मेरी स्वर्गवासी माँ ने दर्शन दिए और कहा कि तू आगे मत जा, तुझे और तेरे बच्चे को खतरा है। मैंने अपनी माँ की बात नहीं सुनी और आगे बढ़ी। जब मेन दरवाजा आया तब साक्षात हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा कि तू आगे मत जा। हनुमान जी गदा लेकर खड़े थे और हनुमान जी के पीछे दरवाजे के पास काली परछाई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी होता है। वो काली परछाई बहुत डरावनी थी, वो मुझे बुला रही थी, पर उस वक्त हनुमान जी ने मुझे बचा लिया। उन्होंने अपनी गदा से उस परछाई पर वार किया। शायद मेरा अनुभव सुनने से कुछ लोगों को विश्वास ना हो, पर ये सच है कि शैतान भी होते हैं और उन शैतानों से बचाने के लिए भगवान हमारी रक्षा करते हैं। आप बस सच्चे दिल से उनकी भक्ति करें, देखना आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। और जिसने मुझ पे ये तांत्रिक विद्या की थी उसका चेहरा भी दिखा। मैंने अपने घर के मेन डोर के ऊपर हनुमान जी की हाथ में पहाड़ वाली मूर्ति को लगाया है जिससे कोई भी बुरी शक्ति घर में प्रवेश ना कर सके। इस तरह मेरे प्रभु ने मुझे कठिन समय से बाहर निकाला। उस सपने के बारे में मैंने पंडित जी को बताया तो उन्होंने कहा अच्छा हुआ कि तुम आगे नहीं गई, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता था। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। इसके अगले दिन मुझे पता चला कि जिसने मुझ पर वो काली विद्या की थी उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। मेरी डिलीवरी दिसंबर में थी पर कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से नौवां महीना शुरू होके 12 दिन ही हुए थे तो अचानक से डिलीवरी करनी पड़ी। जिस दिन डिलीवरी थी वो दिन शनिवार था। हॉस्पिटल में जाने से पहले जल्दी सुबह मैंने प्रभु के दर्शन करके उनसे कहा था कि अब सब आपके हाथ में है प्रभु, और बजरंग बली के आशीर्वाद से मेरे घर लक्ष्मी का जन्म हुआ, मुझे बेबी गर्ल हुई। आज मेरा बेटा 11 साल का और बेटी 3 साल की है। प्रभु के आशीर्वाद से सब ठीक चल रहा है। मैं हर रोज 21 बार हनुमान चालीसा, 2 बार राम रक्षा स्तोत्र और 108 बार ओम नमः शिवाय जाप, राम नाम, हनुमान मंत्र और राहु मंत्र का जाप भी करती हूँ। मैं सभी भक्तों को ये बताना चाहती हूँ कि आप हर महीने की अमावस को हनुमान जी के मंदिर जरूर जाएं, उनके दर्शन करें, नारियल अर्पित करें, तेल चढ़ाएं, बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और कपूर जलाएं। देखना आपको बहुत फर्क पड़ेगा, आपकी हर परेशानी दूर होगी। और हर मंगलवार और शनिवार को भी प्रभु के दर्शन करने जरूर जाएं। जयेश भाई, मैं आपको बताना भूल गई कि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मैं यूट्यूब पे महाभारत के एपिसोड्स देखती थी, तभी मुझे आपका चैनल दिखा और मैंने आपके सभी वीडियोस ध्यान से देखे जिससे प्रभु के प्रति मेरा विश्वास और बढ़ गया। आपकी वीडियोस देखकर मुझे बहुत हिम्मत मिली। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जयेश भाई, भगवान आपको और आपके परिवार को खुश रखें।
तो दोस्तों देखा आपने, एक और असंभव कार्य को संभव किया हमारे बजरंगबली ने। इसलिए कहता हूं, जब भी जीवन में कठिन समय आए और सारे रास्ते बंद हो जाए तो सच्चे दिल से हनुमान जी की शरण में जाए और अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दे। देखना आपके सारे संकट कब दूर हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।